नमस्कार, मैं शैलेंद्र दीक्षित बिफोर प्रिंट से, और मैं आपको ताज़ा जानकारी दे दूं, एनडीए गठबंधन अभी 126 सीटों पर लीड कर रहा है, जबकि महागठबंधन 103 सीटों पर आगे है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो एग्जिट पोल थे वो सही होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी मार्के की है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है, और अब शायद वो एनडीए गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका से अपने को ऊपर देखेगी, बड़े भाई की भूमिका में जी, और उसकी ये बहुत दिन से हसरत भी रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में आ जाएं। ताजा स्थिति ये है कि 64 सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है, जबकि 54 सीटों पे जदयू लीड कर रहा है। तो ये स्थिति आगे संकटपूर्ण राजनीतिक तनाव की हो सकती है, नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एक ये है कि ये हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान को बड़े तरीके से, बड़े सलीके से उतार के और बीजेपी ने ये दांव चला। जो अभी मोटा माटी आंकड़ा निकल रहा है कि कई सीटों पे ऐसा है कि जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट है वहाँ पे उसको वोटों का परसेंटेज ज़्यादा है, और जहाँ जदयू का कैंडिडेट है उसका परसेंटेज वोटों का कम है। तो ये लगता है कि जो वोट ट्रांसफर नहीं हुए, नहीं, बीजेपी का वोट जो था वो चिराग में भी गया जी। वो चिराग में भी गया, क्योंकि चिराग को मैंने लोजपा को बढ़त दिखाई दे रही जी। जो है वो गेन कर रही है, वो लूजर की स्थिति में नहीं है। अब यही एक सवाल खड़ा होता है इस स्थिति में कि एनडीए आगे तो है, लेकिन हम एक बात नहीं, मैं पूरी कर दूं उसकी बात, लेकिन भविष्य में क्या होगा। मेरा मानना है कि जो बिहार के बीजेपी नेता हैं वो दबाव बनाएंगे अपने केंद्रीय नेतृत्व पे कि हमको बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिए, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, एक ये गतिरोध पैदा होगा। ऐसे में नीतीश जी की राह में एक अड़चन आ सकती है, और अगर ईमानदारी से केंद्रीय नेतृत्व उस बात को मान लेता है जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि चाहे जो परिणाम हो नेतृत्व इन्हीं का रहेगा, तो ये संकट खत्म हो रहेगा, लेकिन लंबा चलेगा ये मैं नहीं मानता हूँ। आज भी मैंने अभी हो भी जाए, लेकिन ये खटास आगे रिश्तों में खटास आगे कहीं ना कहीं दिखाई देगी। लेकिन एक विकल्प और भी रहेगा, अगर बीजेपी कोई उस तरीके का करती है तो नीतीश जी के भी पास एक ऑप्शन है कि राजद भी उस समय उनसे का उनके बीच में दोस्ती कोई बहुत बड़ी राजनीति में कोई न स्थायी भाव होता है दुश्मनी का, न स्थायी भाई होता है प्रेम का, तो इसलिए विकल्प खुले हैं सबके लिए, लेकिन बीजेपी का खेल बनता दिख रहा है और वो गेनर है। सबसे बड़ी बात ये है, अब मैं जानना, मैंने हेमंत जी, आप बहुत सीटों पे अंतर बहुत कम चल रहा है जी। ये आपने जो बात कही वो भविष्य की बात कही, और वो बिल्कुल जो कहानी जो चल रही थी चुनाव के दौरान वो कहानी अब भी आगे भी जारी रहेगी। और लेकिन एक जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो मतगणना जो हो रही है उसमें लगभग 60 सीटों पर दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हुई, और ये जितने लगभग आधे घंटे पहले की जानकारी, तो इसको अगर मान लिया जाए कि एक राउंड और उसमें जोड़ा जाए जी, तो 3 राउंड हुआ होगा, अथवा 4 राउंड मान लिया जाए उसको। और 96 ऐसी सीटें हैं जहाँ की एक राउंड की गिनती पूरी हुई थी, हो सकता है कि वो दूसरे राउंड में चली गई हो या तीसरे राउंड में चली गई हो। तो लगभग 150 ऐसी सीटें हैं जहाँ 3 से लेकर 4 राउंड की गिनती अभी हुई है। तो 242 के विधानसभा में 243 के विधानसभा में 150 सीटें ऐसी हैं जहाँ की अभी वोटों की गिनती तीसरे या चौथे राउंड में पूरी हुई है। तो अभी जो रुझान है उसको नतीजे के रूप में देखना थोड़ी जल्दबाजी, ये बात आपकी सही है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो गणित है पार्टियों का, जो कमिटमेंट है, जो उनके साथ में अंदर का खेल है, वो स्पष्ट है। जो आपने कहा कि नीतीश जी के सामने क्या चुनौती है, उनके पास क्या विकल्प है, बीजेपी अगर बड़े भाई की भूमिका में आती हुई दिख रही है तो क्या वह
सरकार में भी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहेगी। मेरा इस पे ये है कि बहुत बीजेपी के नेता भी जो थे जी, चुनाव के पहले भी सरकार में रहते हुए भी सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार पर वो सवाल खड़े करते थे। तो वो ये सुखद स्थिति अपने लिए देख के और ये मौका देख कर वो नहीं बोलेंगे, ये मैं नहीं मानता। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि एनडीए में बीजेपी गेनर के रूप में स्पष्ट दिख रही है अब तक के रुझानों के मुताबिक, और इधर महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां वो गेनर के रूप में उनको वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको महागठबंधन ने बहुत अच्छा है, 29 सीटें दी थी जिसमें सीपीआईएमएल के पास ये 19 सीटें थी और सीपीआई और सीपीएम के पास में 10 सीटें थी, दोनों को मिलाकर 6 और 4। तो महागठबंधन में अब जो बड़ा गेनर रहा है वो लेफ्ट की पार्टियां हैं, सीपीआईएमएल है, सीपीआई और सीपीएम है, और उधर एनडीए में बीजेपी बड़ा गेनर के रूप में दिख रही है। और एक जो जानकारी हम लोग के पास अभी आई है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो बिहार के हैं उन्होंने जानकारी दी है कि 12 बजे तक पूरे बिहार में सिर्फ 80 लाख वोटों की गिनती हुई है और यह एक बड़ी सूचना है। यानी कि अभी बहुत लगभग 80% वोटों की गिनती बाकी है, बाकी है। मतलब अभी 3,20,00,000 वोट की गणना बाकी है, बाकी है। कुल पोल चार करोड़ है जी, 4 करोड़ के आसपास है जी। तो वो तो बाकी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसके जो अभी तक जो रुझान है उसको आप बहुत उसके आधार पर बहुत आप उत्साहित होने की जरूरत नहीं, उत्साहित और निरुत्साहित होने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उसके आधार पर नतीजों की ओर जाना ये अभी जल्दबाजी होगी। तो इसलिए ये चुनाव निश्चित रूप से यह चुनाव क्लोज कॉन्टेस्ट वाला लग रहा है, जैसा कि ये अभी पहले नहीं लग रहा था। इसमें एग्जिट पोल में था, कुछ में बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा था। तो अभी जो गिनती हुई है जितने वोटों की उसके हिसाब से कहा जाए तो अभी बहुत इंतजार करना होगा। मुझे लगता है जिस गति से हो रहा है 4 बजे के आसपास, 3 बजे के बाद ही कोई स्थिति स्पष्ट होगी या कोई रुक लेगा, अदरवाइज बहुत धीमे चल रहा है। कहानी अभी बाकी है। हाँ, कहानी अभी बाकी है और उसका इंतजार करिए। रजिया, आप भी यूथ हैं, यूथों ने बड़ा जलवा भी दिखाया, उत्साह भी दिखाया चुनाव में, सभाओं में बड़ी यूथ आइकन के बारे में चुनाव में, और एक बड़ा हड़कंप भी हाइप भी क्रिएट की कि यूथ बिल्कुल क्रांति करने पे आ गया है, आंदोलित है, नौकरी से उत्साहित है, परेशान है, ये सारा सब कुछ हो गया। लेकिन जो यूथ प्रत्याशी खड़े हुए थे उनकी बड़ी बुरी स्थिति, हम चाहेंगे कि आप वो बताएं। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि पुष्पम प्रिया जी, जिन्होंने एक पूरे पेज के विज्ञापन देके अपने को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, उन्हीं से आप शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी बहुत बुरी स्थिति है, हम तो मतलब एक हैरानी हमको रहा कि बिहार में भी ये माना जाता कि बहुत ज्यादा यूथ मतलब वोटर है, लेकिन यूथ वोटर युवा पे आकर्षित नहीं हुआ है। और जो सबसे बड़ी फेस बनकर आई थी, बहुत बड़ा विज्ञापन फेस बनकर, पुष्पम प्रिया चौधरी अब 2 सीटों पे लड़ रही थी, वो दोनों सीटों पे पीछे चल रही है। कौन सी सीट बाकी? तो बिस्फी है वहाँ पे, तो अभी 15 वोट, बहुत हैरानी करने वाला है। और बाकीपुर में भी 100 के लगभग कुछ, ये 15 वोट हम आपको जानकारी ऐड कर दें कि सातवें राउंड के बाद उनको 15 वोट मिला है, ये इसमें ऐड कर लेने की जरूरत जी। और बाकी जो है सुभाषिनी शरद यादव, और बांकीपुर में उन्हें 121 वोट मिले हैं अब तक की मतगणना में। तो मतलब युवा इनको भी पसंद नहीं किया, नकार दिया पूरी तरीके से। और भी कई युवा कैंडिडेट हैं, जैसे शरद यादव की बेटी सुभाषिनी, ये भी पीछे बिहारीगंज से, लव सिन्हा भी बांकीपुर से थे, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, वो भी पीछे ही चल रहे हैं। कोमल सिंह एलजेपी की थी, वो भी हाई प्रोफाइल अपना रखती हैं, गायघाट से, वो भी पीछे ही चल रही हैं। मतलब यूथ भी बहुत कुछ, यूथ वोटर और एक जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश, हाँ वो भी पीछे ही है, तारापुर से लड़ रही थी। तो यूथ को भी, यूथ ये कह सकते हैं, नकार दिया है, कुछ बहुत कमाल नहीं कर पाए। ये इसका दूसरा पहलू भी है, बहुत सारे यूथ जैसे लेफ्ट के जो यूथ हैं, जैसे संदीप सौरभ पालीगंज में, वो आगे चल रहे हैं उस तरह से, और कई जगह है। देखिए, मैं मान रहा हूँ जो आकाश से आके गिरा था, जो जमीनी नहीं था, जो स्काई लैब होके आया नीचे, उसको जनता ने नकारा है।
ये यूथ को कि आपको काम करना पड़ेगा। एक ये क्लियर कट मैसेज है, आप ऐसे नहीं कि आप किसी के बेटे हैं, किसी की आप बेटी हैं, या आपके पास पैसा है तो आपने तमाम प्रचार माध्यमों को सहारा लिया और अपने को घोषित कर दिया, तो ये चलने वाला नहीं है। अच्छी भी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। चलिए अब ठीक है, अब हम लोग थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे, ताजा स्थिति क्या होती है और देखिए क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। फाइट नेक टू नेक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।